नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। सो डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ थ्री क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल ऑफ थ्री हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। और इसका क्या मतलब है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री, कि कोई नंबर थ्री से डिवाइड होगा या नहीं। सपोज कोई नंबर है एक्स, ठीक है, उसको मैं थ्री से डिवाइड कर रहा हूँ, सो मैं कैसे पता करूं विदाउट डूइंग एक्चुअल डिविजन दैट दिस नंबर विल बी डिविजिबल बाई थ्री, राइट। सो वट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाई थ्री। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, जैसे हमारे पास ये नंबर है 381, इसमें डिजिट कौन कौन सी है, इसमें डिजिट है 381, तो आप इनको जो इंडिविजुअल डिजिट है उनको ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया 9 + 3, सो ये क्या आ गया 12, जैसे यहाँ पे किया है, ठीक है, सो वी गॉट 12। अब इस 12 को, ये जो एडिशन का रिजल्ट आया, इस 12 को आप डिवाइड करके देखिए 3 से, तो इसका जो एडिशन है वो 3 से डिवाइड हो गया एंड वी गॉट 4 एंड द रिमाइंडर इज 0। इसका मतलब ये जो नंबर है 381 ये भी डिविजिबल होगा 3 से, ठीक है। तो आपने देखा हमने 3 से इसको एक्चुअली डिवाइड नहीं किया और स्टिल हमने ये पता कर लिया कि दिस नंबर 381 विल बी डिविजिबल बाई 3। अब ये चीज बहुत काम आती है अगर कोई नंबर बहुत बड़ा है, राइट। सपोज मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे रहा हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब इसको आप 3 से डिवाइड करने बैठेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, पर अगर आप इसको जितने भी डिजिट है उनको एडिशन करके आप 3 से डिवाइड करके देखिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3 और नॉट। ओके, सो आई होप ये आप सबको समझ आ गया होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट।